झनक रहना, प्लीज आइए। और अब झनक तालियों के बौछार के बीच जाती है अपना सेकंड रनर अप ट्रॉफी लेने। पर अब भी सृष्टि, ब्रिजभूषण और अर्शी को ये मंजर पसंद नहीं। झनक को क्यों इतना सम्मान मिल रहा है, ये कैसे बर्दाश्त करेंगे वो लोग जो उसे देखना तक पसंद नहीं करते। और आज उनके साथ एक ही मंच पर खड़ी है झनक, पूरे मान सम्मान के साथ। पर जहां अन्नी नहीं दिख रहा, वहीं आदित्य कपूर आज झनक को ऐसे देखकर बेहद खुश है। उसे पता है कि झनक असली हकदार है उस सम्मान का जो उसे हर वक्त छीना जाता है। और आज जजेस भी झनक के लिए बहुत खुश दिखते हैं। उन्हें पता है किस संघर्ष और साजिशों के बीच से झनक यहां तक पहुंची है, अपने बलबूते पर, अपने हुनर के साथ। और अब ये ले बेटा। थैंक यू सर। और अब कहीं ना कहीं बहुतों को जहां ये सम्मान अब भी मंजूर नहीं, क्योंकि झनक का कद आज उनसे कहीं ज्यादा ऊपर है। और झनक बेटा, मैंने आपको परफॉर्म करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना कि आपने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। सर, अगर इतना अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज शो की विनर मैं होती। कौन कह रहा है कि तुम विनर नहीं हो? इतने सारे डांसर्स के बीच क्वालिफाई करके फाइनल्स तक पहुंची हो, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। थैंक यू सर। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, काफी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं हमारे, होपफुली फ्यूचर में साथ काम भी करेंगे। थैंक यू सर, मींस अ लॉट टू मी। और अब एक बार फिर झनक अपनी काबिलियत के बलबूते पर तालियां बटोरती है। है तो वो असली विनर, सबके दिल की, क्योंकि उसने सभी का दिल जो जीता है। और अब आएंगी हमारी विनर अर्शी मुखर्जी। और अब जहां अर्शी झनक की ओर देखती तो है, लेकिन झनक नजरें झुका लेती है। अर्शी को क्या पता कि ये ट्रॉफी की कुर्बानी की कीमत क्या है। अगर झनक ये जीत लेती तो उसे अभी का अभी कोई रहने की जगह से लेकर वो सब कुछ मिल जाता जिसकी हकदार थी वो। पर अब एक बार फिर जीवन में संघर्ष के साथ साथ लोगों के आगे पीछे शायद घूमना पड़ेगा, और शायद नहीं। पर सृष्टि को इतने में भी खुशी नहीं है जहां अर्शी ट्रॉफी जीती है। ये लड़की तो शो जीती नहीं है ना, तो इसे अवार्ड देने की जरूरत ही क्या थी? अवार्ड तो सिर्फ विनर्स को देना चाहिए था ना। मॉम, ये जनरल कैटेगरी में जीती है, जस्ट चिल। वैसे भी यहाँ सारे जानते हैं कि झनक लूजर है और मैं बिना। इसे खुश करने के लिए अवार्ड दे दिया। और बस इतने में ही माँ बेटी भी अपनी बातें करने में लगी है। इस जीत में भी हार तो महसूस करते हैं वो। और अब बारी है मेंटोर्स को सम्मान देने की। आखिर उन्हीं के वजह से तो ये कंटेस्टेंट्स आगे आते हैं। हमारे साथ हमारे सीईओ हैं, प्रोड्यूसर भी है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि शो के मेंटर्स भी प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। रुद्र प्रताप जी कहाँ है? सर, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ के हमें स्टेज पे ज्वाइन कीजिए। सर आपको बुला रहे। गुरु जी और सर जी एक साथ, ये लोग साथ में क्या बात कर रहे थे? और अब जहां अनी और रुद्र प्रताप एक साथ आते हैं, प्रश्न तो कई उठते हैं सबके मन में। जहां झनक से लेकर ब्रिजभूषण, अर्शी, सृष्टि,
सभी हैरान है कि आखिर अनी और रुद्र प्रताप कहां थे और क्यों। सर जी आप आज कितने खुश लग रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं झनक कंफ्यूज्ड है, कुछ अजीब है। क्या एक बार फिर अनी उसके साथ कोई गेम खेल रहा है? उनकी वाइफ की जीत के जश्न की पार्टी है ये, खुश तो होंगे ही। फिर उन्होंने वो सब क्यों कहा? मैं जानती हूँ कि हमारे बीच वो शादी झूठी थी। दुनिया के सबसे बड़े झूठ से भी बड़ा झूठ था वो। पर अब आगे जाकर झनक के साथ ऐसा क्या हुआ जहां अनी और आदित्य दोनों हो जाते हैं परेशान झनक की ये दशा देखकर। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 102 झनक रहना, एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि मैं उन्हें पिक करने आया हूं। श्योर सर। सर वो दरवाजा नहीं खोल रही है और फोन भी नहीं उठा रही है सर। आधा घंटा हो गया सर, ने भी सर दो बार नॉक किया। क्या 102 नंबर के गेस्ट बेहोश है? झनक बेहोश कैसे हो गई? जहां उन्हें ये पता चलता है कि झनक अपने रूम में बेहोश पड़ी है काफी देर से। पर किसने किया ये काम और क्यों? आखिर झनक के साथ और कब तक ये सब चलते रहेगा? उसे अब आखिर कौन देगा निस्वार्थ पना और सुरक्षा उन लोगों से जो उसके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े होना चाहते हैं हर वक्त? पर ये जो होटल के बंद कमरे में हुआ है, ये आखिर किसकी साजिश होगी? कमेंट करके आप भी हमें बताइएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के कमेंट सेक्शन में कि आखिर आपको क्या लगता है कि झनक के साथ क्या हुआ होगा और आगे जाकर क्या होगा उसके साथ। क्या आदित्य अब झनक की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेगा और इसका असर अब अनी पर क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर। देखकर आता हूं मैं। झनक, झनक,